नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। सभापति धनखड़ ने इस मामले पर सदन में आपत्ति भी जताई। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर इस मुद्दे पर बात की है। पीएम मोदी ने धनखड़ से कहा कि आप जो आज सुनना पड़ा है आपको, वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ, मगर ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ रहा है, मैं पिछले 20 सालों से ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको ये सुनना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी हर तरफ आलोचना की जा रही है। संसद से निलंबित सांसदों के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इन सांसदों के संसद की लॉबी, गैलरी और चैंबर में एंट्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये सांसद संसद भवन का मुंह नहीं देख पाएंगे। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में से अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। इनमें 95 सांसद लोकसभा से हैं, जबकि 46 सांसद राज्यसभा से हैं। मंगलवार को लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इससे पहले सोमवार को संसद से 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें 46 सांसद लोकसभा और 46 सांसद राज्यसभा से थे। मंगलवार को जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया, उनमें फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, शशि थरूर, डिंपल यादव, ज्योत्सना महंत जैसे कई नेता शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में दो समुदाय के बीच हो रही हिंसा ने बड़ी रूप अख्तियार कर ली है। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं। सोमवार को एक पुलिसकर्मी ने जीरेबाम जिले में 32 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या से गुस्साए लोगों ने मंगलवार को पुलिसकर्मी लोहितम अरुणता के सिंह के घर पर धावा बोलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क गई। हालात को काबू करने के लिए 5 दिन के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। वहीं चुराचंदपुर जिले में 2 महीने के लिए आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधक आदेश लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट धारुण कुमार एस ने एक आदेश जारी कर कहा कि दो समूहों के बीच हो रहे टकराव की वजह से अभी भी शांति भंग होने की आशंका, हालात अभी भी तनावपूर्ण है। इस आदेश के बाद राज्य में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी। इसके तहत एक जगह पर 5 या उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ खड़े रहने या एकत्रित होने पर मनाही है, साथ ही हथियार रखने की भी मनाही है। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से लोगों में दहशत पैदा हो रही है। भारत में भी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बुधवार को लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक ऑनलाइन होगी, जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी। भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 1749 हो गई है। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में JN.1 का 18 गोवा में, तो वहीं 18 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1970 हो गई है। पिछले 9 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व गुरुद्वार श्री सेमकंड साहिब में 17 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा।
गुरुपर्व के उपलक्ष्य में 7 जनवरी को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी टेस्ट भी फ्री में होगा। इस संबंध में एक बैठक का आयोजन गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों का विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं, इसके लिए अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। 2 जनवरी से 5 जनवरी तक लोग स्वास्थ्य शिविर के लिए गुरुद्वारा परिसर में आकर अग्रिम पंजीकरण करा सकते हैं। स्वास्थ्य शिविर के दौरान गुरु का अट लंगर भी चलता रहेगा। 17 जनवरी को गुरु पर्व पर सुबह से रात तक कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर सुल्तानपुर में गुंडे माफियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कभी मुन्ना बजरंगी के बेहद खास और वर्तमान में मुख्तार अंसारी के करीबी फिरोज अहमद उर्फ जलीश की संपत्ति कुर्क की गई है। जिले के विभिन्न थानाध्यक्षों में चल रही इस कार्रवाई में जलीश की चल रही अचल संपत्ति की अनुमानित लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देहात कोतवाली के वजूपुर के रहने वाले फिरोज अहमद उर्फ जलीस पर कई गैंगस्टर सहित कई अपराधी मुकदमे दर्ज हैं। जिला प्रशासन ने पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और जैसे जैसे इसके अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी लग रही है, वैसे वैसे इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM सदर और COCT के निर्देश पर टीम निकल चुकी है और नगर कोतवाली, देहात कोतवाली और गोसाईगंज थानाध्यक्ष के 9 गांव में कार्रवाई की जा रही है, जो कि संपत्ति खरीदी गई वहां मुनादी करवा कर संपत्ति कुर्क करने के बैनर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इन संपत्ति की अनुमानित लागत करीब 7.46 करोड़ रुपये बताई जा रही है। फिरोज अहमद उर्फ जलीस अहमद, जो कि वजूपुर गांव के रहने वाले हैं, इनकी कथित रूप से जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है, उस संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में आज चल रही है। इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया था। 14(1) के अंतर्गत लगभग 7.40 करोड़ से अधिक की संपत्ति इनकी है, अचल और चल संपत्ति, जो कि कुल 9 गाँव में है इनकी, और उन सभी संपत्तियों को आज कुर करके उस पर वो लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि इनको कुर किया गया है, और उसी की कार्रवाई में आज हम लोग कर रहे हैं। मीला मुराद में पंजाब नेशनल बैंक के सामने अचानक चलती हुई इंडिगा गाड़ी में आग लग गई। शिक्षक चालक ने गाड़ी से निकलकर जान बचाई। कुछ ही देर में आग की लपटों से गाड़ी पूरी तरह से जल गई। आग लगने के दौरान अफरा तफरी मच गई। हल्दौर क्षेत्र के गांव पैजानिया निवासी संजय कुमार नटौर ब्लॉक के अंतर्गत गांव मीमला मुस्तफाबाद के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक बताया हैं। बताया जाता है कि वो गांव से अपनी इंडिका गाड़ी से विद्यालय आ रहे थे। गांव मीमला मुस्तफाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के सामने अचानक चलती गाड़ी में धुआं उठने लगा, जिसको देखकर शिक्षक गाड़ी से बाहर निकल गए। गाड़ी से बाहर निकलते ही गाड़ी में आग की लपटें उठने लगी। कुछ देर में गाड़ी पूरी तरह से जल गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लग गई है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एवरेडी फैक्ट्री में कार्यकर्ता सिक्योरिटी गार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। साथ ही कर्मचारियों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को शांत करवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है, लेकिन मृतक के परिजन कंपनी प्रशासन ने उच्च मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मृतक के भांजे धीरज नेगी ने फैक्ट्री के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मृतक की पिछले करीब 10 दिनों से तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उनसे कंपनी प्रशासन के द्वारा ओवरटाइम कराया जा रहा था, जिस कारण उनकी और अधिक तबीयत बिगड़ गई। फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर RK राय ने बताया कि मृतक कुंदन सिंह नेगी निवासी पौड़ी गढ़वाल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी कर रहा था।
वो सुपर साइंस सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए बीते एक साल से कंपनी में काम कर रहा था। रविवार को रात ड्यूटी के दौरान सोमवार सुबह शिफ्ट बदलने वाली थी, तभी अचानक कुंदन के सीने में दर्द उठा। आनन फानन में उसे मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासन की ओर से दाह संस्कार से लेकर अन्य खर्च दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को शांत करवाया। मामला ये हुआ सर कि मेरे मामा एवरेटिक कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी लग रही थी नाइट शिफ्ट 12 घंटे की ड्यूटी लग रखी थी, जिसमें कि उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी पर टाइम पे आते थे। ठीक है सर, तो उनकी लगभग 10-15 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ा सा फीवर वेवर आया था। और आज सुबह जो हुआ, तो कल सुबह की बात है, सुबह 7 बजे के टाइम पर उन्हें ऐसे हल्का सा पेन हुआ पेट में, वो गैस वेंस का दर्द रहा होगा, जो भी रहा होगा। वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में आया था और सुबह 7 बजे उसको जाना था, लेकिन उसका रिलीवर आया नहीं था, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहा था। उसी बीच में वहाँ से क्या किया कि मेन गेट पे आया, उसके बेटी की शादी थी तो इनविटेशन देने के लिए आया, हंसते हुए आया वो। और जो गार्ड था मेन गेट का और जो सुपरवाइजर था, उसको न्योता दिया कि हमारी बेटी की शादी है, उस बेटी की शादी में आपको आना है, कह के फिर वो अपनी पोस्ट पे चला गया। डिवीजनों की कहीं आगों पे आपके ऊपर की ना, ऐसा नहीं था। इसके बाद मेन गेट से जब वो पहुंचा, तो उसने अपने सुपरवाइजर को कंप्लेंट किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट ने बताया कि SSP अजय सिंह के निर्देश पर कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के तहत कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनको न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। सभी आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल ने बताया कि अभी कुछ और वारंटियों को भी गिरफ्तार किया जाना है। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने अब महीने के 2 दिन पौड़ी कमिश्नर में बैठने की बात कही है। दरअसल गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी का रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व मंडलीय अधिकारियों के यहाँ न बैठने से खोता जा रहा है। मंडलीय अधिकारी राजधानी देहरादून में बनाए गए अपने कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य निपटाया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी के कार्यालय वीरान नजर आते हैं। ऐसे में अब मंडलीय अधिकारियों को पौड़ी में बैठने के निर्देश और खुद भी हर महीने 2 दिन पौड़ी को देने की बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की, लेकिन इस बैठक से नदारद रहने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के उपायुक्त राहुल शर्मा, मत्स्य विभाग की उपनिदेशक अल्पना हल्दिया, खेल विभाग से सहायक निदेशक सुनील कुमार, स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार और दुग्ध विकास के अधिकारी के वेतन को रोकने के निर्देश गढ़वाल कमिश्नर ने दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने राज्य सेक्टर जिला सेक्टर के विकास कार्यों में तेजी लाने निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने के निर्देश भी गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दिए हैं। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी फोर्टनाइटली। कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर के जो हमारी समीक्षाएं हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे, तो अभी उनकी एक सूची तैयार हो रही है और इन सभी का वेतन रोकने का आदेश कर दिया गया है। इनके वेतन आहरित नहीं होंगे और इन सभी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।